वज़ीराज़म नरेंद्र मोदी का जब आज हैदराबाद दौरा था उस वक्त रियासत के वज़ीर-आला के चंद्रशेखर राव बेंगलुरु के दौरे पर रवाना हो गए। बेंगलुरु के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर-आला KCR ने साबिक वज़ीर आज़म देवी गौड़ा और कर्नाटक के साबिक वज़ीर-आला कुमारस्वामी से मुलाकात की। इस मौके पर इन रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के साथ साथ सियासी उमूर पर तवील गुफ्तगू की। इस मुलाकात के बाद तेलंगाना के CM KCR ने कर्नाटका के साबिक CM कुमारस्वामी के हमरा मीडिया से बात की। इस मौके पर CM KCR ने मरकज़ में तब्दीली की हकीकत पर बात की और कहा कि इस तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। CM KCR ने ऐलान किया कि वो 2-3 माह बाद सनसनी खेज खबर सुनाएंगे। हालात बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन। भाषणबाजी तो बहुत होता है, प्रामिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन होता यह है असलियत क्या है? इंडस्ट्री क्लोजर हो रहा है, GDP क्रैश हो रहा है, इन्फ्लेशन एंड हाई राइज है, रुपया पूरा कम्प्लीटली गिर गया है, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। डॉलर के इस मुकाबला पहली बार इतिहास में बहुत बड़ा गिरावट आ चुकी है। तो इन चीज़ों के मद्देनजर देश के युवाओं को, देश के बुद्धिजीवियों को, देश के जर्नलिस्ट भाइयों का ये फर्ज बनता है कि भारत बदले, ज़रूर बदले और ज़रूर बदलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आई वुड ओनली लाइक टू से दैट विथ ऑनरेबल देवेगौड़ा जी और एल्डर लीडर एंड सी कुमारस्वामी जी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, वी हैड डिस्कस्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द नेशनल पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग द कर्नाटका पॉलिटिक्स, एवरीथिंग। One thing I remind you, all of my dear friends, the other day when I was there before Karnataka elections last time, I said I'll come back to the swearing ceremony of Mr. Kumaraswamy, and my words were proved to be right, and he became the Chief Minister. And this time, I assure you, there is going to be a change at the national level. None can stop it. None can stop it. बातें बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत बदलेगा। भारत को बदलना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, संभावित रूप का परिणाम लेना चाहिए। इस देश को राजनीति के अलावा, नेताओं के अलावा, इजम्स के अलावा, राइजों के, डेफिनेटली देश के हालात को बदलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। वो जैसा कुमारस्वामी जी ने कहा, उस प्रकार से 2-3 महीने के बाद आपको सेंसेशनल न्यूज मिलेगा। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू। गर्मी के मौसम में ठंडक के साथ ताजगी बख्श 51 रेनबो आइसक्रीम, अब आपके अपने शहर हैदराबाद के इलाके एबिट्स में लीजिए कलरफुल ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। असली दूध मलाई से तैयार, बादाम, काजू, पिस्ता, वैनिला, केसर के अलावा हर फ्लेवर और साइज में दस्तियाब। दोस्तों के साथ शॉपिंग या फैमिली के साथ आउटिंग, एक बार जरूर तशरीफ लाइए 51 रेनबो आइसक्रीम बिसाइड जमात खाना, चिरागली लेन, एबिट्स।